हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करता हूं आपका इन द कार एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में दोस्तों हम 19वां Q&A करेंगे, आपके सवालों के जवाब हम देंगे। तो कुछ कमेंट आए हुए हैं दोस्तों, तो हमने सोचा कि आप लोगों का जवाब दे दें समय से। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला Q&A वो आया हुआ है ऋतिक कुमार जी का। वो लिखते हैं, भाई एक AC बनाया लो बजट में मोस्ट पावरफुल। ठीक है, अभी जून बाकी है, देखते हैं जून में अगर जुगाड़ हो जाता है तो AC हम बना देंगे। अगला क्वेश्चन है MS खान जी का, लिखते हैं एक AC बनाओ जो कम पावर यूज करे और कूलर की तरह। तो देखिए, कूलर की तरह तो AC से मतलब नहीं, AC का मतलब ही होता है कि वोल्टेज भरपूर लेना। भाई सिर्फ कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी खाची भर के वोल्टेज खाची मतलब समझ रहे हैं ना आप। कोई भी हो गया बोरा, उसका भर के होता है, उसमें वोल्टेज लेना और तभी उसके बाद वो कूलिंग करता है दोस्तों। तो उसको खिलाएंगे ज्यादा तभी वो कूलिंग करेगा। कूलर तो भाई अलग बात हो जाता है। अगर आप कोई भी ऐसा AC बनाइए, छोटा चाहे बड़ा, उसके अगर देखा जाए एक AC के बराबर लगभग 5 से 6 कूलर या 10 कूलर आप मान सकते हैं, मान सकते हैं। ठीक है, कहा जाता है 1000 वाट एक AC लेता है। अगर 1.5 टन का है या 1 टन का है, केवल कहने के लिए 1000 वाट लेता है, 2200 या 2400 वाट लेता है। जितने में कूलर आपका 10 कूलर आराम से चल जाएगा अच्छे से, कुछ समझ सकते हैं। तो AC आपका पावर ज्यादा लेगा ही, अगर कम पावर बनाएंगे तो कूल नहीं करेगा। चलिए अच्छे भाई लिखते हैं, I am new, प्लीज फीडबैक सर्किट इन होममेड बक कन्वर्टर, प्लीज मेक एंड एड दिस बक कन्वर्टर प्लीज रिक्वेस्ट। तो देखिए, जो भी आपका जवाब है सबको समझ में आना चाहिए हिंदी में। तो जो आपने कहा है फीडबैक सर्किट के लिए, तो फीडबैक सर्किट बनेगा, होममेड बक कन्वर्टर बनाए हुए हैं जो भी है, उसके लिए फीडबैक सर्किट के लिए कुछ कंपोनेंट्स कमी है। जब आ जाएगा तो हम फिर जो सर्किट है वो बनाकर जल्द से जल्द प्रयास करेंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक है, आपका जो प्रॉब्लम है सोल्यूशन उसका हल हो जाएगा, निकल जाएगा। चलिए इसके बाद है शर्मा जयप्रकाश, लिखते हैं भाई जल्दी वीडियो बनाओ फीडबैक सर्किट का, जरूर 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 बनेगा। और भैया फीडबैक सर्किट, अब नवीन कुमार जी लिखते हैं, भैया फीडबैक सर्किट बनाओ, बहुत लोगों ने कमेंट है फीडबैक सर्किट के लिए। तो बहुत लोग ऐसे कर रहे हैं, जरूर बनेगा, जल्द से जल्द ही प्रयास किया जाएगा। कमलेश मिश्रा जी लिखते हैं, सर अगले वीडियो में LA78040IC से एम्पलीफायर बनाकर दिखाइए। चलिए, आपका भी एम्पलीफायर बनाया जाएगा बहुत जल्द से। हम कोशिश करेंगे कि हम आने वाले समय में वीडियो लगातार ले आ जाए, क्योंकि बहुत सारा जो आप लोगों का कमेंट है उसका बहुत सारा, उस पर प्रोजेक्ट हमने देखा है कि आपका बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि गैपिंग कमी करके हम वीडियो ला रहे हैं दोस्तों, तो उसमें नहीं हो पा रहा है। तो आने वाले समय में अभी हम एक समय ऐसा करेंगे जो कि 10 से 15 दिन लगातार वीडियो अपलोड कर देंगे, जिससे आपका प्रॉब्लम जो भी हो उसका सोल्यूशन निकल जाएगा। कमलेश मिश्रा जी लिखते हैं, सर आपने जिस बॉक्स में ब्लूटूथ स्पीकर बनाया है उसके जो दूसरे स्पीकर के लिए आउटपुट निकाल रहा है उसमें एक डायोड लगा दीजिए, अगर गलती से 12 वोल्ट सप्लाई चला गया तो खराब नहीं होगा। बात तो सही है आपका, और उसका जो डायोड आपने लगाने के लिए बोला है, अगर हमने डायोड अगर लगा दिया उल्टा करके या जैसे भी सिस्टम से, तो जब बैटरी उससे आप वोल्टेज देंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। तो इस पर भी टेस्टिंग किया जाएगा प्रॉपर, इसका हम वीडियो बनाएंगे और देखा जाएगा। अभी फिर इस Q&A में हम नहीं देख पाएंगे। डाइव विद विनय पंत देखते हैं, अच्छा बनाया, ऐसे ही नॉलेज देते रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंसारी स्टोर लिखते हैं, बहुत दिन के बाद इनका मैसेज आया हुआ है। ये लिखते हैं, नमस्कार भैया, एक फेराइट ट्रांसफार्मर से इन्वर्टर बनाइए जो कि उससे इनएक्टिव लोड को चलाया जा सके। चलिए आने वाले समय में आपका भी देखते हैं। ऋतिक कुमार जी लिखते हैं, एक होम थिएटर बनाया पावरफुल। चलिए, होम थिएटर के बारे में सोच रहे हैं कि जो आपका टूअर वाला स्पीकर होता है ना, टूअर वाला लंबा वाला, वही बनाने के लिए सोच रहे हैं, हो जाएगा। अनमोल यादव लिखते हैं, गिवे कर दो भाई। चलिए, गिवे करने के लिए हम ये स्पीकर है, तो स्पीकर के साथ और कुछ भी देखना है हमें, जैसे जैसे इकट्ठा होगा उसके बाद हम इकट्ठा ही करेंगे। लगभग 5-5 गिवे रखेंगे और 5 लोगों को दिया जाएगा जो जो पास हो जाएंगे। चलिए अगला है, लिखते हैं फ्री फायर प्लेयर, लिखते हैं सर जी, ट्रांसफार्मर का आपने गलत सेटिंग किया इसलिए वो इन्वर्टर किट काम नहीं किया है। ट्रांसफार्मर आप किसी भी प्रकार लगा देंगे इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि इसका ट्रांसफार्मर जो फेराइट ट्रांसफार्मर है वो अलग होता है, उसकी वाइंडिंग बहुत कम होता है, उसमें टर्न लपेटा जाता है, बहुत कम लपेटा जाता है, और उस नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है उसके तुलना में आप जाकर दोनों में कंपेरिजन कर सकते हैं। फेराइट ट्रांसफार्मर अलग होता है, इसका अलग होता है। फेराइट ट्रांसफार्मर क्या होता है, फ्रीक्वेंसी हाई होता है, लो फ्रीक्वेंसी नॉर्मल ट्रांसफार्मर होता है। इसमें हाई फ्रीक्वेंसी का ट्रांसफार्मर ही काम करेगा, किसी भी प्रकार आप एड कर लीजिए काम नहीं करेगा। डायोड लगा दीजिए, कुछ भी करिए, काम नहीं करने वाला है,
उस तरह का आपको बनाना होगा तभी काम करेगा, ठीक है। और नॉर्मल ट्रांसफार्मर लगा रहे हैं तो आईसी से निकलने वाला जो भी उसका रेजिस्टेंस है उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। अगर 10 ओम्स लगाए जो भी लगा हुआ है तो आपको 220 ओम्स लगाना होगा। उसका करने का मतलब जो फ्रीक्वेंसी है उसको 50 से 60 हर्ट्ज पर लाना होगा तभी काम करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी पे नहीं काम करने वाला है। बाकी सब चीजें हम क्लियर कर देंगे आने वाले समय में। फ्रीफायर पहले लिखते हैं, इन्वर्टर को ठंडा रखने के लिए कंपनियां इन्वर्टर में पंखा लगाती है। जी हाँ, पंखा लगाती है काफी ताकि ठंडा रहे, क्योंकि लोड समय समय पर कम बेसी होता रहता है। फ्रीफायर प्लेयर लिखते हैं, सर जी क्या हम अपने जो इन्वर्टर किट आपने जो इन्वर्टर किट दिखाया है उसी 150 वाट के इन्वर्टर किट से तो एसी 220 वोल्ट करंट पर चलने वाला पंखा चला सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हमने इस पर वीडियो बना रखा है, आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। 150 वाट जो किट आपका है, ये 100 वाट भी कहा जाता है, 150-200 वाट, ये सब फेराइट ट्रांसफार्मर वाले हैं, इस पर आपका एसी फैन बिल्कुल भी नहीं चलेगा, चाहे कितना वो चला लीजिए आप। एसएमपीएस वाला जितनी चीजें हैं, मोबाइल चार्जिंग, ये सब हो जाएगा, लेकिन वो आपका फैन है वो नहीं चलेगा। उसके लिए आपको अलग से जुगाड़ करना होगा। 1100 वाट का जो किट आता है, 5 एम्पीयर का ट्रांसफार्मर लगा के चला सकते, लेकिन इससे आपका बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। अगला नवीन कुमार जी लिखते हैं, भैया कितने टन का एसी है? ये 1.5 टन का एसी है, एक पैनासोनिक का, ठीक है, नॉर्मल वाला है, इन्वर्टर मॉडल नहीं है। तो ये सब चीजें बीत चुका है, इन्वर्टर वाला सबसे अच्छा लें, क्योंकि वोल्टेज उसका वोल्टेज का वाटेज बहुत कम लेता है, अपने हिसाब से काम करता है। और आप होम में सोलर सिस्टम है? नहीं है, डायरेक्ट लाइट चलता है, कोई सोलर नहीं लगा हुआ है, एक सोलर लगाए लिए हैं केवल वो एक्सपेरिमेंट। रामचंद्र जी लिखते हैं, सर जी 300 वाट किट में बैटरी लो होने पर किट कट प्रीसेट बता दीजिए, सर जी कट नहीं कर रहा है। तो देखिए, उसमें कोई भी लो बैटरी कट ऑफ के लिए आपका प्रीसेट नहीं दिया है, हमने टेस्ट किया है तभी वहाँ पर दिया गया है। अभी हम किट ऑफ मोड लगा दिखा दे रहे हैं, इसको आप देख लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं, ये चेंज करेंट के लिए दिया है। यहाँ पर आप एम्पियर सेट कर सकते हैं यहाँ से, फिर यहाँ से आपका चेंज बोल्ट, इससे आप बोल्ट सेट कर सकते हैं जो भी बैटरी के लिए दिया मतलब देना होता है, चाहे लिथियम हो चाहे लेड-एसिड हो। इसके बाद जो ये दिया गया है, ये आप मोड है, इससे मोड चेंज करेंगे आप, ओवरलोड चेंज करने के लिए दिया गया है, फ्रिक्वेंसी के लिए दिया गया है, आउट वोल्टेज कितना है वो है, ठीक है। और यहाँ पर कहीं भी आपको नहीं दिया गया है कि लो बैटरी के लिए जो कि प्रीसेट लगाया जाता है, तो इसी जगह होना चाहिए, लेकिन कहीं भी नहीं है। ये चार्ज करेंट और चार्ज वोल्ट है और कुछ भी नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है दोस्तों। तो जो वोल्टेज है आपका वो 8 वोल्ट जाने के बाद ही कट रहा है, देखे हैं बैटरी, और कोई इसे सिस्टम नहीं है, तो इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और अलग से सिस्टम बनाने के लिए तो हमने बनाया हुआ है, हमारा जो इन्वर्टर 200 वाट का फुल ऑटोमेटिक है, उसमें आप बैटरी लो सेटिंग कर सकते हैं, वहाँ से वो कट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ओवरलोड के लिए दिया गया है, तो ये ओवरलोड होता है केवल आप देखे होंगे उसके लिए दिया गया और कुछ नहीं। फिर उसके बाद सौगात पाल कुछ करके नाम है, देखते हैं ये कितने वोल्टेज और कितने एम्पीयर का ट्रांसफार्मर है और इसका प्राइस कितना होगा। दोस्तों जो ये ट्रांसफार्मर है, इसमें ट्रांसफार्मर है वो है 20 एम्पीयर का 250 वाट का, ठीक है, उससे हमने टेस्टिंग किया हुआ है। इसका प्राइस जो है लगभग वही समथिंग 1000 के आसपास है, ठीक है, आप बाकी विजिट करके देख सकते हैं कितने वोल्टेज का है। तो 12 0 12 20 एम्पीयर 12 वोल्ट ही रहता है। इन्फो सेलेक्ट सेल बॉक्स कुछ इसी तरह नाम है, लिखते हैं ये सबसे फायदा नहीं, क्योंकि 500 वाट ट्रांसफार्मर मिलना मुश्किल होता है, जरूर मिल जाएगा, आप कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही कमेंट था दोस्तों, इतने लोगों का कमेंट है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा वीडियो, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और जो लोग नए जुड़े हुए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आने वाला है, आता रहेगा, तो आप लोग जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को भी मजा आएगा और हमें भी मजा आएगा। और वीडियो को जो लाइक नहीं किया लाइक कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं उनको दिल से धन्यवाद। चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट करते रहिए, आपका कमेंट का हम जवाब समय समय पर देते रहेंगे, जिससे कि आपका जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकलता रहे, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।